दूंगा कि वो जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करें आदरणीय प्रभु सिंह जी। हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री और ऐसे परिवार के हमारे देश के नेता जिनका इतिहास बलिदानों से भरा पड़ा है, हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परम सम्मानी राहुल गांधी जी का बीना की सरजमी पर हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है, तालियों से स्वागत करें आदरणीय राहुल गांधी जी का। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हम सबको बहुत ही संरक्षण और संवर्धन प्रदान करने वाले आदरणीय कमलनाथ जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें आदरणीय कमलनाथ जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने 10 दिन में बहुत जल्दी से जल्दी वचन निवाहन के रूप में कार्य किए हैं। हमारे आदरणीय सुरेश पचौरी जी, हमारे आदरणीय मंत्री कमलेश पटेल जी, आदरणीय हमारे प्रदीप जायसवाल जी, आदरणीय हमारे त्रिपाठी जी, आदरणीय मंत्री प्रभारी मंत्री राठौर साहब, आदरणीय प्रभारी हमारे मंत्री गोविंद राजपूत जी, आदरणीय हमारे मंत्री हर्ष यादव जी, आदरणीय कुसमरिया जी जो अभी माननीय राहुल जी के मार्गदर्शन में संरक्षण करने हम लोग आए हैं, पूर्व मंत्री आदरणीय सुरेंद्र चौधरी जी, आदरणीय अरुणोदय जी, उपस्थित कांग्रेस के अध्यक्ष जी, सभी साथियों, कृपया कृपया प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत अभिनंदन है। और आप भी दूर अंचल से आए हैं, आपका भी बहुत स्वागत और अभिनंदन है। इतनी तपती धूप में आप लोगों ने जो यहाँ आकर कृपा बरसाई है, मैं समझता हूं कि वो वोट के रूप में भी आप 12 तारीख को पहला बटन पंजे का दबा के कृपा बरसाएंगे। आदरणीय राहुल जी, अपार खुशी से गदगद हूं आप यहां पर आए हैं, आपके मार्गदर्शन में हम आपने हमें प्रत्याशी बनाया आदरणीय राहुल गांधी जी। हम आपका, हमारे बीना और क्षेत्र की आजू बाजू की लोकसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन की ओर से आपका वंदन और अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। आदरणीय राहुल जी, आदरणीय कमलनाथ जी, जिन भावनाओं और के साथ, जिस विश्वास के साथ आपने हमको कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया है, मैं जनता जनार्दन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी कसौटी पे खरा उतरूंगा, आपके हर सुख दुख में साथ दूंगा, विकास के लिए हमारे भावी प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम काम करेंगे। चूंकि विलंब हो गया है और मुझे बोलने का, मैं आप सबके बीच में चर्चा करता रहा हूं, हमारे माननीय कमलनाथ जी ने जो वादे किए थे, जो वचन दिया था, राहुल जी के मार्गदर्शन, राहुल जी के निर्देशानुसार हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने वो पूरे किए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आदरणीय राहुल जी से, आदरणीय कमलनाथ जी से ये आग्रह करता हूं कि हमारे लोकसभा क्षेत्र सागर पर आपकी कृपा बनी रहे, आपका संरक्षण बना रहे, हमारा विकास, हमारे क्षेत्र का विकास, हमारे लोकसभा क्षेत्र का विकास आप होता रहे, ऐसी आपकी कृपा बनी रहे। मैं देवियों का, भाइयों बहनों का, मतदाता बंधुओं का, नौजवान साथियों का फिर से इतनी तपती धूप में आप यहाँ पधारे, आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आपके विश्वास में खरा उतरूंगा, ये मैं विश्वास के साथ यहाँ राहुल जी के सामने, कमलनाथ जी के सामने, हमारे प्रदेश के तमाम वरिष्ठ नेताओं के सामने मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और मैं खरा ना उतरूं तो आप कान पकड़ते हो, हमारे कुर्ता फटाते हो, हमसे लड़ते हो, लड़ने का पूरा अधिकार जीवन भर दिया है, फिर से देंगे, विकास किया है, विकास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।